सर स्ट्रेटजी बता दो मैथ को क्रैक करने की। ठीक है, तो चंद लाइनों में आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं आपको मैथ्स के लिए बता रहा हूं कि मैथ्स के लिए आपको क्या करना है। ठीक है, यहां पर इन बीते 30 और 60 दिनों के अंदर मैं आपको एग्जाम निकालने की स्ट्रेटजी नहीं बता रहा कि आपको एक साल पहले से यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बस जो हमारे पास 60 दिन है, 70 दिन है, 90 दिन जो भी बचे हुए हैं, उनमें हमारी स्ट्रेटजी गणित को लेकर क्या होनी चाहिए कि हम सीजीएल के एग्जाम को क्रैक कर सके और सीएचएसएल के एग्जाम को। तो इनमें आपको एक छोटे से बात को ध्यान रखना है। सबसे पहला टारगेट रखो यहां पर कि आप जो है सिलेबस को पूरा कर सको। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि किसी भी हाल में सबसे पहले तो मेरा बस पूरा हो। दो तीन बातें हम कम जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है यहां पर कि ज्योमेट्री में जो है हमें 100 के 100 फॉर्मूले या 100 के 100 हमारे प्रॉपर्टी हैं तो पूरे के पूरे हमारे जहन में हो। नहीं मेरे भाई, वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो, हर जगह पर शेयर कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, हर बच्चे का भला हो जाएगा। मैं हमेशा बच्चों के भला के लिए ही काम करता हूं, तो आप भी इस भलाई में थोड़ा सा जो है साथ निभा दो मेरा तो और अच्छा हो जाएगा। टारगेट क्या होना चाहिए कि सिलेबस हमें पूरा का पूरा खत्म करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट पर हिट अप क्या होना चाहिए कि अब ऐसा नहीं है कि सिलेबस 4 महीने तक खत्म कर रहे हैं तो 4 महीने तक जो है ठीक है कुछ और करेंगे। नहीं नहीं, सिलेबस को साथ के साथ खत्म करते रहो और उसके बाद यहां पर टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओ, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओ, इस बात का ध्यान रखो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मानो जब मैंने एवरेज आपको पढ़ाया तो आपको क्या करना था, एवरेज के क्वेश्चन लगा लेने थे। कहां से लगाओगे, कोई मॉक टेस्ट परचेस कर रखा है तो वहां से लगा लो, किसी की किताब खरीद रखी है तो वहां से लगा लो। ठीक है, कोई प्रीवियस ईयर है आपके पास तो वहां से लगा लो। ठीक, कोई सेक्शनल मॉक मिलता है तो वहां से लगा लो। जैसे मानो आज मैंने रेशियो खत्म कर दिया 3 क्लासेस में, अब रेशियो के जितने भी सवाल हैं वो एक बार लगा लो आप। ठीक है, तो टॉपिक खत्म करो, टॉपिक का टेस्ट लगाओ। एक टॉपिक खत्म किया टेस्ट लगाया, दूसरा खत्म किया टेस्ट लगाया, ताकि क्या होगा उससे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिलते रहेगा। फिर तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें, यहां पर टारगेट हो गया, टॉपिक वाइज टेस्ट हो गया, और संडे को यहां पर अभी फिलहाल एक काम करना, दो काम करना। सबसे पहले एक तो संडे को मॉक टेस्ट लगा लेना, ठीक है, और दूसरा यहां पर इस बात को ध्यान दो, रिवीजन कर लेना। बहुत बच्चे जो है यहां पर गलती क्या करते हैं, लाइफ में मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, फिर वो सिर्फ बॉर्डर पर रह जाते हैं, या तो वो पेपर निकाल पाते हैं, ठीक है, वो भी 4-5 नंबर से, या फिर 4-5 नंबर से रह जाते हैं। वो गलती मत करना, मॉक टेस्ट और रिवीजन, मॉक टेस्ट और रिवीजन करते रहना यहां पे। ठीक, इन तीन बातों का ध्यान रखो, सफलता के यही 3 मूल मंत्र हैं। 50 स्ट्रेटजी की वीडियो और 100 लोगों की बातें सुनने से बेहतर है अपने ऊपर काम करते हैं, अपने सिलेबस को पूरा करते हैं, उसका टेस्ट देते हैं, अपने आप को एनालाइज करते हैं, और उसके बाद यहां पर उनके मॉक टेस्ट को लगाते हैं। ये 3 बातें जो भी स्टूडेंट यहां पर फॉलो कर लेता है तो उसके हाथ में उसके ज्वाइनिंग लेटर आने में 1 से 1.5 साल का ही वक्त लगेगा, और आराम से तसल्ली से वो ज्वाइनिंग लेटर पर उसका नाम लिखा होगा और भारत सरकार द्वारा भेजा गया ये भी लिखा होगा। इस बात को ध्यान दो यार। देखो वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक जरूर किया करो यार, आप लोगों के लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है और पढ़ाने की, और अच्छा करने की, और बढ़िया कंटेंट लेकर आने की, और साथ में वीडियो को हर जगह पे शेयर भी किया करो।